आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाने की खिचड़ी। ये व्रत में बनती है, वैसे भी आप बना के खा सकते हैं, लेकिन व्रत में जो बनाते हैं सिर्फ हम सेंधा नमक और काली मिर्च में बनाते हैं। बाकी आप और वैसे नॉर्मली बना रहे हैं आप तो कोई और भी मसाले यूज कर सकते हैं। व्रत में सिर्फ हम दो मसालों से इसको बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है। और सबसे जो जरूरी है इसमें साबुदाना हमें कैसे भिगोना है। ये मैं 1.5 कप साबुदाना ले रही हूँ, इसको अच्छे से धो के वॉश कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे होल नाइट या 3-4 घंटे जितना हमारे पास टाइम है, मिनिमम 3-4 आवर्स तो चाहिए होते हैं इसको भिगो के रखने के लिए। इसको अच्छे से धोना है 8 से 10 बार बिल्कुल साफ पानी, और इसका सारा पाउडर निकाल देना। ये देखिए मैंने वॉश करके बिल्कुल देखो साफ एकदम हो गया, कोई पाउडर नहीं है अब इसके अंदर। इसमें हम इतना सा बिल्कुल ऊपर ये मैंने पानी भी डाल लिया, इतना सा हाफ से भी कम ही होना चाहिए। ये देखिए फिंगर मेरी बहुत थोड़ा सा ऊपर सिर्फ डिप होने चाहिए, बहुत हल्का सा स्लाइटली सा ऊपर पानी करेंगे डिप होने के ऊपर। अब इसको हम 3-4 आवर्स के लिए सोक करके रख देंगे, और फिर उसके बाद देखिएगा बिल्कुल एक एक दाना बिल्कुल अलग हो जाता है। ये देखिए 4 घंटे हो गए हैं, ये देखिए मेरे फूल के कितना अच्छा हो गया, एक एक दाना बिल्कुल अलग लगा है, बिल्कुल इस देखिए गल गया है फूल, एकदम फूल गया है। कोई भी दाना आप दबा के देखिए ना हाथों को चिपकेगा ना पैन में चिपकेगा बनाते टाइम, ये बिल्कुल गल गया। आप इसको हाथ से ऐसे दबा के देखिए गल गया। अब हम चलते हैं साबुदाना बनाने की तरफ। अब मैं इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून ही डाला है, 2 भी नहीं डाला मैंने, 1.5 डाला। ये देखिए ये गर्म हो जाए, फिर हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। देखिए गरम हो गया, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं इस स्टेज पे, तो गैस को सिम कर देते हैं। अब हम एक बाउल मैंने इतना बना 1.5 कप बनाने के लिए मैंने एक बाउल पीनट्स लिए हैं कच्चे, इसमें हल्का सा सोते कर इस तरीके से हिलाते हुए सोते कर लूंगी। 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो कंटिन्यूस हिलाते रहिए, नहीं तो फिर लाल हो जाएगा और फिर जल सी जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है। भून के तैयार हो गए हैं, इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसी तरीके से थोड़े से कम उसमें देखिए सारा ऑयल एज इट इज रहेगा, बस वो थोड़ा सा इजी चलाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है। ये देखिए अब हम इसको हम उतार लेंगे, बस हो गई है ये देखिए, अब हम इसको उतार लेते हैं, निकाल लेते हैं पैन से, गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे। ये देखिए तरीके से करके आप इसको निकाल लीजिएगा सारे। देखिए तलने के बाद इतना ऑयल उसके अंदर बच गया है, इसमें 1 टेबल स्पून हम और ऐड कर लेते हैं। जीरा भी बहुत अच्छे से भुन गया है, अब हम इसको वो थोड़ा सा गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल हमने बढ़ाया है। ये देखिए मैंने कच्चे आलू हैं ये, इनको पील करके अच्छे से धो के टाइस करके काट लिया है, और इसको वॉश कर रखा है मैंने बहुत अच्छे से। अब ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये आराम से डाल मिनट के अंदर ये गल जाएंगे इस तरीके से करके। इसको आप जल्दी करने के लिए आप इसको ढक सकते हैं, इसको ऐसे इजीली आप ढक के इसको रख दीजिए, 3 से 4 मिनट में देखेंगे ये गल जाएंगे। गल रहे हैं अभी, इनको टाइम है थोड़ा सा, अभी टाइम है इनको, अभी गलने देते हैं। ये देखिए अब मैं जो मेरी मूंगफली मैंने तली थी ये फ्राई करी थी, इसको मैं हाफ को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर दूंगी, हाफ मैं ऐसे साबुत डालूंगी, हाफ को इसको फोरस पीस के रेडी कर लूंगी। ठंडी हो चुकी है अब ये, इस तरीके से हम ये देखिए ऐसे ट्रांसफर कर लेंगे और इसको फोरस पीस के रेडी कर दूंगी मैं। हाफ मैंने रख लिया जो मैं साबुत डालूंगी। ये देखिए मेरी मूंगफली पीस के फोरस तैयार हो गए, इसी उसमें पीसिएगा, इससे ज्यादा पतला मत करिएगा, थोड़ा सा कोरस फॉर्म में रखिएगा। ये देखिए बस अभी 2 मिनट में, 2 मिनट और हैं आलू मेरे गल जाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। ये देखिए डाल के देखेंगे आलू गल चुके हैं,
अगर आपका ऑयल थोड़ा ज्यादा हो तो आप इस स्टेज पे निकाल भी सकते हैं एक्स्ट्रा ऑयल को। मैंने वो थोड़ा ही लिया, ज्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा तो इसमें ठीक रखना पड़ता है ऑयल, क्योंकि वो चिपके नहीं हमारा, वैसे चिपकेगा नहीं मेरा, इतना जितना मैंने लिया ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आलू गल चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो पीनट्स, हाफ तो हमने वो ग्राइंड कर लिए हैं, कोरस तैयार कर लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये हमने पीस के रेडी कर लिए हैं, अब हम इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल हटा के इसमें डाल लीजिएगा। वन टेबल स्पून सॉल्ट टेस्ट के अनुसार है, सेंधा नमक है जो हम व्रत में खाते हैं वो वाला है, ये टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ये बहुत थोड़ा सा काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको आप बोलते हैं, ये थोड़ा सा इस तरीके से फैला के डालिएगा, बहुत थोड़ा सा डालिएगा, ज्यादा नहीं, और चाहे तो आप नमक में भी बना सकते हैं, सॉल्ट में भी खाली बन जाता है। ठीक है, बस इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये हम मिक्स कर देंगे, गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे, तेज नहीं होनी चाहिए नहीं तो ये जलेगा। ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें साबुदाना, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा बनता है, लाइट भी होता है खाने में, और फास्ट में मुंह का टेस्ट थोड़ा ऐसे हुआ होता है तो, और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा इस तरीके से। अब इसमें सिर्फ और छोटी सी एक टेबल स्पून, देखिए इतना सा मैं इस तरीके से इसमें, ये फूल जाए बस, ये बहुत छोटी सी, मतलब ये कहिए कि आप पानी सिर्फ आपने छिड़कना है और कुछ नहीं, और इसको सिम पे करके 2 मिनट के लिए सिर्फ ढक देंगे। ये देखिए बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा भाप में 1 मिनट के लिए इसमें हरी मिर्च डाल के डाल दिया, अब ये देखिए इसको थोड़ा सा ढक देंगे, इससे 1 मिनट के लिए ढकेंगे, ज्यादा नहीं। हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप मत डालिएगा, नहीं तो इस स्टेज पे डालिएगा, पहले मत पकाइएगा हरी मिर्च को। ये देखिए हो गया ये रेडी, अब इसको हम, क्योंकि हरी मिर्च का इसमें जो इस तरीके का टेस्ट आता है भाप में 1 मिनट ही करते हैं सिर्फ खोलते हुए हम। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, इसमें निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, बच्चे हैं दिख भी जाएगी उनको, और अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये देखिए पैन से बिल्कुल अलग हो गया, और देखिए कितना टेस्टी। अब इसको हम चाहे तो इस स्टेज पे थोड़ा सा धनिया डाल दें इसके अंदर। देखिए हमारी साबुदाने की खिचड़ी तैयार है, अब हम इसको सर्व कर, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए देखिए देखने में बहुत टेस्टी लग रही है, और एक एक दाना बहुत फूला हुआ और बिल्कुल चिपकी नहीं है। ये देखिए आप, बहुत अच्छी बनी हुई है। ये देखिए इसको आप चाहे तो यहाँ धनिया से गार्निश भी कर सकते हैं, ये फास्ट में तो बनती है, वैसे भी आप इसको बना के खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आई होप आपको मेरी वीडियो और डिश दोनों पसंद आई होंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।